Greeting in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. Let's go to the Holy Bible, Gospel of St. John, chapter number 13. And we shall read verse number 13 and 14 and 15. Bible tells us, "Ye call me Master and Lord, and ye say, well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you." यूहन्ना की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यह मरकूम है। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। कैन वी से आमेन? यू मे बी सीटेड। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, कम्युनियन, लॉर्ड सपर। आज की इबादत पाकिशा बहुत ही खास इबादत है। नबी फरमाते हैं, अगर आप इस इबादत को संजीदगी से नहीं लेते, आप इस इबादत को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आप इस इबादत की बेहुर्मती करते हैं, इररेवरेंट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देयर इज अ थ्री ऑर्डिनेंसेस, तीन ऐसे फरमान या हुक्म हैं जो हमें फिजिकली करने के लिए दिए गए हैं। फितरी तौर पर हमें दिए गए हैं। प्रॉफिट कहते हैं उनमें से एक पानी का बपतिस्मा है और दूसरा पांव धोना, फीट वॉशिंग। नंबर वन, वाटर बैप्टिज्म, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर, फितरी तौर पर हम जाते हैं और पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लेते हैं। ये फिजिकल एक्ट है, प्रॉफिट कहते हैं। और दूसरा कम्युनियन, लॉर्ड सपर, पाकिशा, ये भी फिजिकल है, नेचुरल है। फितरी तौर पर हम रोटी लेते हैं और फितरी तौर पर हम मैं लेते हैं। ब्रदर मैडम कहते हैं अनपार्डनेबल सिन के अंदर अगर फीट वॉशिंग बाइबल में ना होती, आई वॉजंट प्रीच इट, तो मैं इसकी मुनादी कभी भी ना करता। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद, मास्टर, मुझे मास्टर कहते हो,
खुदावंद कहते हो, आका कहते हो, जब मुझ खुदावंत और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया की हिस्ट्री में इफ यू रीड द हिस्ट्री यू कैन फाइंड इट, कोई ऐसा उस्ताद नहीं गुजरा, कोई ऐसा आका नहीं गुजरा, कोई ऐसा मालिक नहीं गुजरा जिसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। जितने भी उस्ताद आए हैं, जितने भी आका आए हैं, सब ने अपनी खिदमत करवाई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि मैं खिदमत करने आया हूं। तो खुदावंद और उस्ताद ने जब पांव धोए तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तुम पर भी फर्ज है, तुम पर भी फर्ज है। ये इबादत बड़ी खास इबादत है, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। यू मस्ट वॉशिंग द फीट ईच अदर। अभी कहते हैं ये दूसरा ऑर्डिनेंस है जो मैं फिजिकली नेचरली फितरी तौर पर करना है, पानी का बपतिस्मा। ब्रदर बैनम कहते हैं अगर ये स्पिरिचुअल होता तो मैं कह देता ये फिजिकली है, फितरी तौर पर ये काम करना है, पांव धोना ये फितरी चीज है। और फिर तीसरी बात है लॉर्ड्स सपर या कम्युनियन। अब कम्युनियन यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, जो कोई मेरा खून नहीं पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। आप सोचते हैं ये कम्युनियन सर्विस आपकी इटर्नल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, इट्स बिलोंग टू योर इटर्नल लाइफ। लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं है इसकी अहमियत को, नहीं जानते। अगर तुम मेरा गोश्त नहीं खाते, फिजिकली रोटी है, रोटी यीशु मसीह ने रोटी ली, वेफर नहीं, वो कागजी बिस्किट नहीं जो टिकिया दी जाती है, वो नहीं, कोशर ब्रेड इसको कहा जाता है। ये खास रोटी बेखमीरी रोटी होती थी, इसमें खमीर इस्तेमाल नहीं होता था, जिसका मतलब है खमीर जो है वो गुनाह की भी तशबीह है, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह ही वो रोटी है जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। He was a unleavened bread. उसने he didn't do any sin. He was a sinless. तो ये कोशर ब्रेड रोटी ना कोई बिस्किट या कोई वेफर कागजी वो रोटी जो ली जाती है टिकी या पतासे की तरह, वो नहीं है। ये फितरी रोटी जो घर में रोटी बनती है, और फिर खून ब्लड जो के यीशु मसीह का खून जिसकी तशबीह जो है वो मैं है। नबी फरमाते हैं एक मर्द में एक बड़ा सादा सा शख्स था, और वो उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा चर्च चला गया। देर हो रही थी उसे, ही टूक अ कैब एंड वेंट टू द चर्च एज सून एज पॉसिबल। नबी कहते हैं बिकॉज देर वॉज अ कम्युनियन मीटिंग, देर वॉज अ होली कम्युनियन मीटिंग, पाक ईशा की इबादत थी। टैक्सी ली उसने, ही वेंट टू द चर्च, और जाकर उसने पाक ईशा के अंदर पार्टिसिपेट किया।
वापिस आया तो उसके पड़ोस में एक इल रिलीजियस लादीन या इनफिडल बेदीन शख्स रहता था। उसने कहा मिस्टर सो एंड सो वेयर डिड यू गो। उसने कहा सर आई वेंट टू चर्च फॉर व्हाट पर्पस देयर वाज अ कम्युनियन सर्विस। उसने कहा व्हाट इज द कम्युनियन, ये क्या है कम्युनियन। वो जो इनफिडल था लादीन बेदीन उसने कहा ये क्या है। उसने कहा उस सादे शख्स ने कहा उस गरीब बंदे ने उसने कहा होली कम्युनियन जो है उसमें हम खुदावन के बदन और खून को लेते हैं जो कि रोटी और वाइन है मैं। तो वो लादीन शख्स बेदीन शख्स हंसा टेबल पर बैठे हुए थे। उसने कहा अरे ये इतनी सी चीज के लिए तू चर्च गया, ये रोटी के लिए चर्च गया, ये वाइन के लिए चर्च गया, मैं के लिए चर्च गया, ये तो मेरे टेबल पर पड़ी हुई है, देख मेरे बर्तन के अंदर कितनी रोटियां पड़ी हुई हैं, देयर इज अ मेनी पैनकेक्स देयर इज अ मेनी ब्रेड, ये कौन सी बड़ी बात है, उधर जाने की क्या जरूरत थी, मेरे घर पर आ जाता। वो टेबल पर बैठ के ठट्ठे कर रहा था। कई लोग मीटिंग में आते नहीं लेकिन मीटिंग को ठट्ठे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। नबी ने कहा है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आपको इल्म होना चाहिए व्हाट वी आर डूइंग। नबी का कोट है, उसी में फरमाते हैं कि बाइबल कहती है तुम मुबारक हो, यू आर द ब्लेस्ड, यू आर द हैप्पी पीपल, यू नो कि तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि बाइबल क्या फरमाती है पाकिशा के बारे में, रोटी के बारे में, शीरे के बारे में, यीशु मसीह के खून के बारे में, यीशु मसीह के बदन के बारे में, यीशु मसीह के कफारे के बारे में, यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में। यू आर द ब्लेस्ड पीपल, यू आर द हैप्पी पीपल इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं तो आप क्या हैं, खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत है जिन्हें पता है कि पाकिशा क्या है। आज मैं आपको कहता हूं जो बैठे हुए हैं, यू आर द ब्लेस्ड पीपल। सब नहीं है, नबी ने खास कर कहा है कि जो इस बारे में जानते हैं पाकिशा के बारे में, और पाकिशा के बारे में जानना क्या जानना है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आज इस इबादत में आकर हम कन्फेस कर रहे हैं, वी कन्फेस आर फेथ कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मुआ था। और जो नहीं आते, जो इसमें शिरकत नहीं करते, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जुबान से करते हों लेकिन अमली तौर पर नहीं कर रहे। तो नबी ने कहा आप लोग मुबारक हो जो ये जानते हो, नंबर वन जानते हो, और सिर्फ जानते नहीं, जानते हो और करते हो, इसमें शामिल होते हो, पार्टिसिपेट करते हो। तो वो बंदा टेबल पर बैठा हुआ, अरे ये रोटी लेने गया था, ये मैं पीने गया था, मेरे पास तो बहुत है, आई हैव अ लॉट ऑफ इन माय पैन, यू कैन गेट इट। मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठा कर रहा है। आपको पता क्या हुआ, उसने डिसरिस्पेक्ट की, डिसऑनर खुदा की इस पाकीज़ा कुर्बानी को डिसऑनर किया। उसने
रिस्पेक्ट नहीं की और उसी घड़ी टेबल पर बैठा हुआ था। नबी कहते हैं टेबल पर बैठे हुए ही जब वो ये बातें कर रहा था और वो उस शख्स को, गरीब शख्स को कह रहा था, चर्च में जाने की क्या जरूरत थी, यहीं पर मिल जाता, मेरे पास है सब कुछ, कोई जरूरत नहीं थी इस इबादत में जाने की, रोटी लेने की, शीरा लेने की, खुदावंद की रोटी, खुदावंद का शीरा, खुदावंद की मैं लेने के लिए चर्च में गया, यहीं ले लेता, मेरे पास लोटो। वो नबी कहते हैं जैसे ही वो ये कह रहा था उसी घड़ी उसे दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, फिनिश। आप क्या समझते हो खुदा नहीं है? खुदा है, खुदा है। और अगर कोई बचा हुआ है तो ये सिर्फ उसके फजल की वजह से बचा हुआ है, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई माया मेहंदी नहीं है, ये पाक इबादत है। इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो देयर इज अ थ्री ऑर्डिनेंसेस टू द चर्च टू परफॉर्म, तीन ऐसे कवानीन या कानून या अहकाम कह ले दिए गए हैं फिजिकली करने हैं। नंबर वन, वाटर बैप्टिज्म, पानी का, हम पानी का बपतिस्मा लेने जाते हैं फिजिकली। नंबर टू, फीट वॉशिंग। नंबर तीन, कम्युनियन, ब्रेड एंड वाइन में। तो ये तीनों फिजिकली अमल हैं। ब्रदर बैनम कहते हैं अगर बाइबल में पांव ना धोए गए होते तो मैं भी मुनादी ना करता। तो अगर बाइबल में पांव ना धोए गए होते या हुक्म ना होता तो आज मैं भी यहां मुनादी ना करता। तो बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव, हम पर फर्ज है फर्ज, जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है। और आपको पता है पांव धोने के लिए छोटा होना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, कदमों में बैठना पड़ता है, अपनी अना को मारना पड़ता है, अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है। और यही पहला स्टेप है क्रिश्चियनिटी के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे, डिनाई योर सेल्फ, अपनी खुदी का इनकार करे और फिर मेरे पीछे आए, अपनी सलीब उठाए। हाउ कैन वी कैरी आर क्रॉस, कैसे हम अपनी सलीब उठा सकते हैं? सलीबे पहनते तो सभी हैं, पहनने के लिए नहीं कहा, उठाने के लिए कहा, अपनी सलीब उठाए। तो ये पांव धोना, ये फीट वॉशिंग जो है, ये अपने आप को छोटा बनाना है। और छोटा भी इतना छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं, सबसे छोटा। नबी कहता है उस जमाने के अंदर जब दावत होती थी, आपको पता है जब यीशु मसीह की दावत की फरीसी ने तो वहां पर सबके पांव धोए गए, तो नबी कहता है जो पांव धोने वाला होता था वो सबसे छोटा नौकर होता था, सबसे छोटा नौकर, सबसे निचला तबका होता था। जैसे आज सफाई करने वालों को निचला तबका समझते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो उस जमाने के अंदर पांव धोने वाला सबसे छोटा होता था। अब देखे जो सबसे बड़ा था खुदावंद यीशु मसीह, वो सबसे छोटा बन गया। इसे बड़ी एग्जांपल क्या होगी, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है। जीसस ने कहा मिसालें देना आसान है, मिसालें सारी देते हैं, उसकी मिसाल दी, उसकी मिसाल दी, उसकी एग्जांपल दी, उसकी मिसालें देना आसान है, मिसाल बनना मुश्किल है। तो यीशु मसीह ने मिसाल दी नहीं, यीशु मसीह मिसाल बना। आई हैव गिवन यू एग्जांपल, एज आई हैव डन विद यू, यू मस्ट डू ईच अदर, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ करो। तो ये किसकी तरफ से हुक्म है? खुदा की तरफ से है। तो ये तीनों फिजिकल अमल हैं, फितरी अमल हैं, जो हमें करने हैं, मसीहों को करने हैं, जो हमें करने के लिए दिए गए हैं और जिनको हमने मानना है।
और नबी ने कहा ये कब तक करने हैं, पाँव धोना कब तक जारी रखना है, रोटी यीशु मसीह का बदन जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट विच ब्रेड वी आर टेकिंग, तो ये रोटी और फिर ये मैं जो है ये कब तक लेनी है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। तो इसीलिए हम हर महीने पाकिशा लेते हैं, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये बड़ी खास इबादत है और इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो आ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, और जिन्हें पता है, जिन्हें मालूम है, वो मुबारक है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम पाकिशा में शामिल होते हैं तो हम अपने ईमान का इजहार कर रहे होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाकिशा में शामिल होने से पहले अपने आप को तैयार करना है। बाइबल मुकद्दस जैसे पहला करंथियों उसके 11 बाब और 23वीं आयत से शुरू करते हैं तो वहाँ पर लिखा ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा। देखे पौलुस रसूल भी कह रहा है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको पहुँचा। तो फिर पढ़ते जाते हैं तो लिखा हुआ है नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल, मुनासिब तौर पर क्या, इसे जाने, अपने आप को परखें, तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे से प्यार करें और खुदावंद यीशु मसीह के हजूर आएं और उसके पाक खून और उसके पाक बदन को हासिल करें ताकि आप कुवत पाएं। और जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाता तब तक ये काम हमें जारी रखना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।